एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं पीरियड्स लाने का आसान घरेलू उपाय। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी लड़कियों की आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो है पीरियड्स की प्रॉब्लम। या तो पीरियड्स आपको टाइम पर नहीं आते हैं, अगर टाइम पर आते हैं तो एक दिन आते हैं, या फिर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, पीरियड्स का फ्लो बहुत कम है, पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका लड़कियों को ज्यादातर सामना करना पड़ता है। तो पीरियड्स टाइम पर ना आना लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है, क्योंकि अगर पीरियड्स सही नहीं होंगे, आपकी पीरियड साइकिल सही नहीं होगी, तो आपको कंसीव करने में भी आगे प्रॉब्लम होगी। तो काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको जो काढ़ा आपको बताने जा रही हूं, मैं 100% वादा करती हूं, 100% गारंटी है कि इससे आपके कितने भी रुके हुए पीरियड हो, आसानी से आपको ये पीरियड्स आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी वजह से पीरियड्स रुक गए हैं तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पीरियड्स का रुकने की वजह क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता होगा कि आपकी किस वजह से पीरियड रुके हैं तो आपको कोई भी चीज सूट नहीं करेगी, फायदा नहीं देगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि पीरियड्स ना आने के टाइम पर ना आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण आपका हो सकता है हार्मोन्स इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। दूसरा कारण आपका हो सकता है थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो पीरियड साइकिल को कंट्रोल करती है, तो अगर आपको पीरियड टाइम पर तब भी नहीं आते हैं। तीसरा कारण आपका हो सकता है ज्यादा वेट बढ़ना। अगर आपका अचानक से बहुत ज्यादा वेट बढ़ा है, आपका वजन बढ़ गया है, तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी, देखिए अगर कोई भी लड़की कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको अपनी डेट पर पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड मिस हो जाते हैं। इसके अलावा आपका कारण हो सकता है पीसीओडी पीसीओएस, जो कि आजकल सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है लड़कियों की। देखिए पीसीओएस होता क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। देखिए इसमें होता क्या है, आपकी जो ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आ पाते हैं। तो पीसीओएस की वजह से काफी सारी लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पीरियड्स की पीसीओडी की वजह से आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके हेयर फॉल होने लगता है, आपके हेयर्स खराब होने लगते हैं, आपके नेल्स खराब होने लगते हैं, और इसके अलावा आपके चेहरे पर बाल हेयर ग्रोथ होने लगती है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बाल आने लगते हैं, आपके चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो रुक गया, और जब गंदा ब्लड अंदर रुका हुआ है तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों का मैं जो आसान उपाय बताने जा रही हूँ बहुत अच्छा है, आसानी से आप कर सकती हैं, घरेलू उपाय है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको किसी भी एज वाली लड़कियां लेडीज कोई भी ले सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अजवाइन, आपने सुना होगा कैरम सीड, जो कैरम सीड यानी कि अजवाइन जो होती है ये पीरियड की हर प्रॉब्लम का इलाज है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम है, पहली चीज हम बात कर लेते हैं, आपका पीरियड तो आते हैं लेकिन एक दिन या दो दिन आता है और ब्लड बहुत कम आता है, तो आपको क्या करना है, अजवाइन का काढ़ा पीना है। क्या करना है, आपको एक गिलास पानी में अजवाइन का एक चम्मच डालना है और उसको अच्छे से पकाना है और उसको आपको सुबह खाली पेट पीना है। अब हम सब बात करते हैं जो मेन प्रॉब्लम है लड़कियों की, एक तो पीसीओडी और टाइम पर पीरियड्स का ना आना। आपके पीरियड्स एक महीने से रुके हुए हैं, दो महीने से रुके हैं, तीन महीने से रुके हैं, तो इसका आसान घरेलू उपाय है, आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें लेनी है आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। एक चम्मच आपको अजवाइन लेनी है यानी कि कैरम सीड, दूसरा आपको लेना है जिंजर यानी कि अदरक, इसकी जगह आप सौंठ भी यूज कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है, तीसरा आपको लेना है दालचीनी, तो ये चीज जो है यानी कि सिनेमन, आपको ये तीनों चीजें आपको लेनी है। आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, एक गिलास पानी में आपको एक चम्मच अजवाइन डालनी है, आपको एक जो टुकड़ा होता है दालचीनी का यानी कि सिनेमन का एक टुकड़ा उसमें डालना है, और थोड़ा सा इतना अदरक आपको उसमें क्रश करके डालना है। अगर अदरक है तो अच्छी बात है, अदरक नहीं है तो आप सौंठ होती है, सूखा हुआ अदरक उसको सौंठ बोलते हैं, तो सौंठ का पाउडर भी आता है, आप मार्केट से ले सकती हैं, आपके घर में अवेलेबल होगा, या फिर सौंठ हो आपके यहाँ तो वो भी आप डाल सकती हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसको आप इतना पकाएं कि ये पानी एक गिलास से आधा गिलास रह जाए।
अब देखिए इसको पीना कैसे है, आपका काढ़ा बन चुका है, आप उसको हल्का ठंडा करके जितनी गर्म आप चाय पीती हैं उतना गर्म इसको छोड़ दीजिएगा, इतना गर्म आपको इसको पीना है। आपको क्या करना है, आपको सुबह एम्प्टी स्टमक यानी कि बिल्कुल खाली पेट जैसे आप सुबह उठती हैं, उठने के बाद आपको इसको बना करके इसको पी लेना है। इसके बाद आपको 5 मिनट स्किपिंग करनी है। देखिए स्किपिंग यानी कि आपको रस्सी कूदनी है, थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी है इसके बाद, इसके पीने के बाद। एक चीज आपको याद रखनी है, जब आपको सुबह ये पिए इसके 1 घंटे तक कुछ और ना खाए पिए, तो ये आपको पीरियड लाने में बहुत जल्दी फायदा करेगा। आपको हो सकता है आधे 1 घंटे के अंदर पीरियड्स आ जाएं, अगर आपके मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड रुके हैं तो किसी भी नॉर्मल वजह से, तो आपको 1-2 घंटे के अंदर पीरियड्स आ जाएंगे। जिसके बहुत टाइम से पीरियड की अगर प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको जिनको पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको कुछ टाइम लगेगा लेकिन पीरियड्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जो डाली हैं, उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, जिनके मेरे पास काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं। लेकिन कुछ लड़कियों के कमेंट्स आए हैं कि मैम हमने 2 दिन पिया है, 1 ही दिन पिया है, आपने तो लिखा है कि 1 घंटे में आ जाएंगे। तो देखिए हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हर किसी की प्रॉब्लम भी अलग होती है, किसी की किसी वजह से पीरियड रुके हुए हैं, किसी के किसी वजह से पीरियड रुके हुए हैं। तो प्लीज इसको इसको आप उसमें ना लें कि मैंने आधा घंटा बोला है तो आधे घंटे में ही आ जाएंगे। हर किसी लड़की के बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर किसी की वजह अलग है पीरियड मिस होने की। तो आपको अगर पीरियड्स एक बार में नहीं आ रहे हैं तो आपको मैंने ये चीज भी बोली है कि आप रेगुलर कुछ दिन जरूर पीजिएगा, 2 टाइम्स आपको पीना है। मैं वादा करती हूँ आपके किसी भी वजह से पीरियड रुके हुए हैं आपको पीरियड्स जरूर आ जाएंगे। दूसरे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने मेडिसिन खा रहे हैं, अगर मेडिसिन खाई है तो ही पीरियड्स आते हैं, अब मेडिसिन छोड़ देते हैं तो पीरियड्स रुक जाते हैं, नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जो पीरियड्स है नहीं आ रहे हैं तो आपको उसमें भी रेगुलर कुछ दिन, कम से कम 1 वीक या 10 डेज आपको पीरियड्स के लिए ये आपको 2 टाइम्स लेना है। तो बहुत अच्छा काढ़ा है, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये भी आ जाते हैं, 15 मिनट बाद हमें पीरियड्स आ गए मैम, जबकि मैंने 1 घंटा लिखा है। तो प्लीज इसको उल्टा ना लें, बिल्कुल सही वे में लें। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इसका रेगुलर यूज करें और इसको आसानी से आपको पीरियड्स आ जाएंगे। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं।